सिमर का रौद्र रूप, भैरवी को पड़ा जोरदार थप्पड़। भैरवी का नया ड्रामा, जी हाँ, कल इसके सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर ने उठा लिया है त्रिशूल और आज उसके निशाने पर है भैरवी। जी हाँ, आज टूट गया है सिमर के सब्र का बांध और फूट पड़ा है भैरवी पर उनका गुस्सा। पहले तो सिमर ने समीर की माँ भैरवी को लगाया जोरदार थप्पड़ और फिर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ी हो गई भैरवी का खात्मा करने। माता रानी के आशीर्वाद से सिमर अपने पूरे परिवार को बचाने में कामयाब हुई और उसके बाद वो भैरवी का अंत कर देना चाहती थी, क्योंकि बस हो गया, क्योंकि डर लगता है कि अपने बच्चे और अपने परिवार वाले वो किसी खतरे में ना पड़े ऐसी औरत की वजह से। लेकिन इससे पहले कि सिमर भैरवी से अपने परिवार को बचा पाती, भैरवी ने चल दी अपनी एक और चाल। उसने संजू को आउट हाउस में बंद कर दिया और वहाँ लगा दिया बॉम्ब। एन वक्त पर उसने वापस एक ऐसी चाल चली कि हम लोग सब घायल हो गए उस चाल से। लेकिन भैरवी की चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि आउट हाउस में संजू की जगह पहुंच जाता है भैरवी का ही बेटा समीर। सबको लगता है कि मैं मर गया हूं क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो लेकिन मैं मरता नहीं हूं। और माँ इसी वजह से उनको लगता है कि समीर मर गया है, तो वो अपने आप को जलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मेरे लिए ही किया था, तो अगर मैं ही नहीं रहा तो उनको लगता है कि जीने का कोई मकसद नहीं। मौके पर समीर ने वहां पहुंचकर अपनी मां को मरने से बचा लिया और साथ ही किया खुलासा कि आउट हाउस में आकर संजू ने बचाई समीर की जान। भाई, अब समीर और सिमर के साथ साथ सभी घरवालों के सामने भैरवी का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या भैरवी सुधरती है या फिर वो चलेगी कोई नई चाल। आज तक ब्यूरो।